दोस्तों, हमारे शरीर का हर एक अंग स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हम अक्सर शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होती है। इन अंगों में हमारा लंग भी शामिल होता है। जी हाँ, फेफड़े हमारे शरीर के अभिन्न अंगों में से एक माना जाता है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन के फिल्टर होने का कार्य करता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह काफी बेहतर होता है। ऐसे में अगर फेफड़ों में किसी तरह की परेशानी हो जाए तो सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जो कि कई अन्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। इसीलिए फेफड़ों में होने वाली गड़बड़ी का पता समय पर चल जाए तो इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे लक्षण नजर आते हैं जिससे आप फेफड़ों की बीमारी के बारे में समझ सकते हैं। आइए जानते हैं शरीर में दिखने वाले वे लक्षण जो आपके लंग्स की खराबी की ओर इशारा करते हैं। पहला, सांस लेने में तकलीफ होती है। दोस्तों, अगर आपको सांस लेने में काफी अधिक तकलीफ हो रही है तो समझ जाएं कि आपके फेफड़े खराब हो चुके हैं। इसीलिए इस तरह के लक्षणों को नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत है। खासतौर पर अगर आपको सोते समय या फिर कोई कार्य करते समय इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज करने में परेशानी होती है। दोस्तों, फेफड़े अगर खराब होने लगते हैं तो इस सिचुएशन में मरीजों को एक्सरसाइज करने में काफी अधिक तकलीफ महसूस होती है। अगर आपको भी एक्सरसाइज करने के दौरान काफी अधिक तकलीफ महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तीसरा, सीढ़ियों में चढ़ने में परेशानी होती है। दोस्तों, कुछ लोगों को सीढ़ियां चढ़ने के दौरान काफी अधिक सांस फूलने की दिक्कत होती है। इस तरह के लक्षण फेफड़ों में खराबी या फिर फेफड़े डैमेज होने की ओर इशारा करते हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। चौथा, सीने में दर्द महसूस होना। दोस्तों, कुछ लोगों को फेफड़ों की परेशानी होने पर सीने में भी दर्द महसूस होता है। ऐसी सिचुएशन में सांस लेने में कठिनाई जैसी महसूस हो सकती है। इस तरह के लक्षण दिखने पर आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।